हरे कृष्णा राधे राधे। तो कल यानी कि 28 तारीख को है एकादशी, पाप मोचनी एकादशी। तो चलिए आज के वीडियो में हम जानेंगे कि एकादशी के नियम क्या हैं और ये नियम हर एकादशी में लागू होते हैं। ये मत सोचिएगा कि पाप मोचनी एकादशी के नियम है, नहीं, जो ये नियम हम बता रहे हैं हर एक एकादशी में लागू होते हैं। तो फर्स्ट जान लेते हैं शुरुआत हमें कैसे करनी है व्रत की। तो एकादशी व्रत की शुरुआत हो जाती है दशमी के दिन से, यानी कि एकादशी की एक दिन पहले से। तो हमें एकादशी की एक दिन पहले से ही सात्विकता से रहना है, सात्विक भोजन करना है, प्याज लहसुन या फिर अन्य चीज़ों का सेवन नहीं करना है जो हमारे व्रत में बाधा बने। और ये तो हो गया पहला नियम। दूसरा नियम है कि दशमी के दिन से ही ब्रह्मचर्य का पालन शुरू हो जाता है और उस दिन से ही हम ब्रह्मचर्य करते हैं और ज़मीन में लेटना होता है, जिससे कि हमारा भक्ति में मन लगे, यानी कि पूर्णतः भक्ति में ही मन लगाना, प्रभु पे ही मन लगाना है। उसके बाद दूसरे दिन सूर्योदय के पहले उठना है और स्नान करना है, प्रभु को सेवा करनी है। और तीसरा नियम है कि अगर हो सके तो एकादशी के दिन झाड़ू पोछा घर में ना करें। तो अब आप सोचोगे कि क्यों नहीं की जाती, तो रीजन बता देती हूँ। झाड़ू पोछा का ऐसा कोई रूल नहीं है कि नहीं करना, आप ना करें, यानी कि जो व्रतधारी है वो ना करे, बाकी दूसरा कर सकता है। क्योंकि अगर हम व्रत रखे हैं और एकादशी है, एकादशी के दिन जीव हत्या महापाप है, तो अगर हम झाड़ू पोछा करेंगे तो हमारे हाथों से जीव हत्या होगी। झाड़ू लगाएंगे कोई चींटी मरेंगी, कोई जीव छोटे मोटे मरेंगे, तो ये सब हमें नहीं करना है, इसीलिए झाड़ू पोछा का हम नहीं कर सकते हैं। बस और कोई रूल नहीं है कि उस दिन नहीं किया जाता है, क्यों नहीं किया जाता, तो बस व्रत में इसीलिए झाड़ू पोछा व्रतधारी को नहीं किया जाता क्योंकि पाप होते हैं। ऐसे गुरुवार में भी है, गुरुवार में भी इसीलिए झाड़ू पोछा नहीं किया जाता, जो कि एक तार्किक है। बाकी इसमें कोई अंधविश्वास नहीं है कि आप एकादशी के दिन या फिर गुरुवार के दिन झाड़ू पोछा मना होता है, लीपा पोती मना होता है, तो ऐसा नहीं है। वो केवल जीव हत्या को रोकने के लिए झाड़ू पोछा नहीं किया जाता है। तो बहुत बड़ी बात हो गई ये, तो माफ़ी चाहती हूँ। उसके बाद हमें एक नियम और पालन करना है, एकादशी के दिन हम किसी भी पौधे की पत्तियों को नहीं तोड़ेंगे, ये वर्जित है। और सबसे ज़्यादा तो ये है कि हम तुलसी पत्ती को बिल्कुल भी नहीं तोड़ेंगे, यानी कि तुलसी पत्र को बिल्कुल भी तोड़ना नहीं है। और आप एक दिन पहले तुलसी पत्र को तोड़ के रख सकते हैं, लेकिन आज जैसे कि संडे, कोई कोई संडे को नहीं तोड़ सकता, तो आप मार्केट से ला सकते हैं। मैं मार्केट से ले आती हूँ, मार्केट से मिल जाती है। अगर नहीं है आपके पास तुलसी पत्र, तुलसी की लकड़ी होगी, तुलसी की माला होगी, तो वो आप पूजा में यूज कर सकते हैं। एक और नियम है कि इस दिन चुगली या फिर किसी की बुराई ना करें, अगर कोई बुराई करता है तो अवॉइड करें। यानी कि ये दिन सिर्फ प्रभु के लिए है, प्रभु का ज़्यादा से ज़्यादा नाम जाप करें, सिर्फ प्रभु के लिए है, किसी को आज के दिन समय ना दें। अगर कोई फ़ोन करता है या फिर अगल बगल कोई है तो उससे बोल दें कि आज एकादशी है, तो आज आप हमसे दूर रहें। और ये आपको बोलना पड़ेगा, क्योंकि एकादशी हम अपने पापों को दूर करने के लिए और प्रभु को पाने के लिए करते हैं। ये संसार से हमें इस दिन पूर्ण तरह से दूर रहना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं कि एकादशी के दिन क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। तो एकादशी के दिन मैं अपना बताऊं तो मैं कुछ भी नहीं खाती हूँ। जब कोई जिद करता है खा लो फैमिली में, तो आलू का कुछ बना लेती हूँ फिर खा लेती हूँ। अगर किसी ने जिद नहीं किया तो मैं पानी पी के ही रह लेती हूँ, अगर हो सका तो पानी भी नहीं पीती हूँ। तो मैं तो भूख प्यास को जीत लेती हूँ प्रभु कृपा से। और वैसे भी एकादशी के दिन खाने पीने की चीज़ों का परित्याग करना चाहिए, सिर्फ प्रभु के नाम का जाप करना चाहिए। और अनाज आप बिल्कुल भी नहीं खाएं। बहुत लोग कमेंट में पूछ रहे थे क्या हम उसे अनाज खा सकते हैं, तो अनाज तो बिल्कुल भी नहीं खा सकते हो। अनाज एकादशी में नहीं खाया जाता है, ये महाअपराध होता है, मांस के समान होता है अगर उसे अनाज खाते हैं, अगर मुख्यतः चावल खाते हैं तो आप अगर नहीं कर सकते हैं
पानी या फिर फलहार से, तो कुछ अपने लिए आलू वगैरह का बना लें, यानी कुछ भी हो सात्विक बनाए, और उस दिन भोजन के बारे में बिल्कुल भी ना सोचे। अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो बिल्कुल भी ना सोचे कि हम ये बनाएं, हम कचौड़ी बना लें, ये बना लें, वो बना लें। बहुत से लोग कुट्टू का आटा कचौड़ी, सिंघाड़े का आटा कचौड़ी ये सब बनाते हैं। तो अगर आप एक दिन भूखे रह लोगे प्रभु के लिए, तो आपका बनेगा ही, बिगड़ेगा कुछ नहीं। तो उस दिन एक दिन के लिए प्रभु के लिए भोजन का त्याग कर दें, बाकी आपकी मर्जी, आप क्या खाते हैं क्या पीते हैं। लेकिन मेरा मानना है और धर्म ग्रंथों के अनुसार उस दिन तो हमें कुछ भी खाना नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप किसी परिस्थिति में हैं, यानी कि आप बच्चे हैं या फिर बीमार हैं, तो आप फलाहार ले सकते हैं, लेकिन अनाज बिल्कुल भी ना लें। और एक प्रश्न आया था, क्या हम एकादशी के दिन नमक खा सकते हैं? तो नहीं, एकादशी के दिन नमक से तो आपको बहुत दूर रहना, नमक के बारे में सोचना भी नहीं है। नमक आप नहीं खा सकते हैं, चाहे वो फलाहारी हो चाहे वो जो भी नमक हो। तो हम स्वाद के लिए एकादशी नहीं रहते हैं, हम अपने प्रभु को, विष्णु भगवान को पाने के लिए रहते हैं। और इस दिन आप और हम ज़्यादा से ज़्यादा नाम जाप करेंगे, सिर्फ प्रभु को ही अपना समय देंगे। और अब प्रश्न लेते हैं, कुछ प्रश्न आए हैं। एक हमारी रेणु शुक्ला जी पूछ रही हैं, दीदी हम प्रदोष व्रत रहते हैं तो क्या एकादशी रह सकते हैं? तो बिल्कुल सी आप रह सकती हैं, लेकिन एकादशी जैसे कि एक दिन पहले है और प्रदोष व्रत है दूसरे दिन, तो आपको इसमें पारण का विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि एकादशी का पारण चावल से किया जाता है। और अगर आपने चावल से पारण कर लिया तो आप प्रदोष व्रत नहीं रह सकते हैं, इसलिए आप चावल से न पारण करके प्रभु को स्नान कराने के बाद जो प्रभु का जल होता है उसमें तुलसी दल लेके के उसी से पारण करिए। खाली तुलसी दल और प्रभु का चरणों का जल, यानी कि चरणामृत, फिर आपका पारण पूरा हो जाएगा, उसके बाद आप प्रदोष व्रत रह सकते हैं। और दूसरा प्रश्न है कि दी क्या हम, लड्डू गोपाल जी पूछ रहे हैं, दी क्या हम ठाकुर जी को एकादशी की शाम को खाना खिला सकते हैं, और क्या क्या खिलाना चाहिए और क्या नहीं खिलाना चाहिए? राधे राधे दी। तो बेटा आप लड्डू गोपाल जी को वैसे भी हम सात्विक भोग ही लगाते हैं, तो हम उन्हें खिला सकते हैं, नो प्रॉब्लम, क्योंकि प्रभु को तो सात्विक भोग ही लगता है। और प्रभु की सेवा से लेकर एक विशेष ध्यान और रखना है कि हम प्रभु को एकादशी के दिन फलहार का भोग ही लगाएंगे। कहीं कहीं किसी किसी संप्रदाय में प्रभु को भोजन का भोग लगता है एकादशी के दिन, क्योंकि वहाँ एकादशी रहा नहीं जाता है। लेकिन अगर हम एकादशी व्रत हैं तो प्रभु को फलहार का ही भोग लगाएं। अब आप कहोगे कि जगन्नाथपुरी में चावल का भोग भी लगता है एकादशी के दिन, तो वहाँ पर एकादशी मैया उल्टी लटकी हुई हैं, वहाँ का कुछ कहानी है, और जिसकी कहानी हम फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो अगर हम जगन्नाथपुरी जाते हैं तो अगर वहाँ हम एकादशी दिन खाते हैं चावल, तो हमें उसका पुण्य मिलता है, पाप नहीं लगता। लेकिन आप घर में ना एकादशी दिन चावल बनाएं, ना प्रभु को भोग लगाएं, ना किसी और को दें। और एक विशेष बात कि एकादशी के दिन गौ माता को भी रोटी ना दें। आप अपने हाथों से, किसी और के हाथ से आप दे सकते हैं, लेकिन आप अपने हाथों से जो व्रतधारी है गौ माता को भी रोटी का भोग ना लगाएं, उन्हें भी फलाहार दें जो आप खा रहे हैं। और तुलसी मैया को शाम को और सुबह भी अगर आपसे हो सके, लेकिन विशेषकर शाम को दीपक जरूर तुलसी मैया के पास प्रज्वलित करें। वैसे प्रतिदिन उनके पास दीपक प्रज्वलित करना चाहिए, लेकिन आप अगर प्रतिदिन नहीं कर पाते हो तो एकादशी दिन जरूर उनके पास दीपक जलाएं। लेकिन कहते हैं कि एकादशी के दिन तुलसी मैया को जल अर्पित नहीं किया जाता है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है, गर्मी का महीना है बहुत ज़्यादा, तुलसी मैया सूख जाएंगी, तो हमारा विशेष कर्तव्य है कि हमें तुलसी मैया को कष्ट ना देना। तो हम तुलसी मैया को जल अर्पित कर सकते हैं, बस पत्तियां नहीं तोड़ना आपको। और एक विशेष बात और कि एक हमारी बहन ने कव्य, हाँ उन्होंने प्रश्न किया है कि हम उस एकादशी दिन कौन सा ऑयल यूज कर सकते हैं। तो आप मूँगफली का ऑयल यूज कर सकते हैं, विशेषकर आप देसी घी से ही भोग बनाएं।
जो आप भोग प्रभु के लिए बनाते हैं उसी उसी ऑयल को यूज कर सकते हैं, लेकिन आप सरसों के तेल का यूज ना करें। एक प्रश्न और है कि क्या हम एकादशी के दिन कलश स्थापना कर सकते हैं? तो बिल्कुल आप कलश स्थापना कर सकते हैं, क्योंकि कहते हैं कोई भी पूजा कोई भी व्रत बिना कलश के पूरा नहीं होता है। तो आप कलश स्थापना कर सकते हैं। कहीं कहीं कलश स्थापना नहीं करते हैं, यानी कि जो ब्रह्मचारी होते हैं साधु होते हैं वो कलश स्थापना नहीं करते हैं, लेकिन आप गृहस्थ में हैं तो कलश स्थापना कर सकते हैं। तो इस विषय पर एक प्रश्न और है कि क्या बच्चे भी एकादशी का व्रत रख सकते हैं? तो हाँ जी, बच्चे कुंवारी कन्याएं विधवा सुहागने सब एकादशी का व्रत रख सकते हैं। पहले ज़माने में समाज के द्वारा कुछ नियम बनाए गए थे कि एकादशी का व्रत केवल विधवा औरतें ही रख सकती हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। भगवान के लिए सब बराबर हैं और भगवान को पाने के लिए हर कोई एकादशी का व्रत रख सकता है। इसमें कोई नियम नहीं है कि कौन रख सकता है कौन नहीं रख सकता है, हर कोई प्रभु का एकादशी का व्रत रख सकता है। बस आप में क्षमता होनी चाहिए कि आप व्रत रख सकते हैं कि नहीं रख सकते, क्योंकि ये कठिन भी है सरल भी। अगर आप भाव के अनुसार आप व्रत रख रहे हैं तो ये सरल है, लेकिन अगर भाव के अनुसार नहीं रख सकते हैं तो आपको दिन भर भूख लगेगी, फिर आपके लिए व्रत कठिन हो जाएगा। बस इतनी थोड़ी सी बात है। एक प्रश्न और है कि एकादशी के दिन किस भगवान की पूजा होती है? तो एकादशी व्रत समर्पित है विष्णु भगवान को, तो विष्णु भगवान की पूजा होती है। आप विष्णु भगवान की किसी भी रूप की सेवा पूजा कर सकती हैं एकादशी के दिन। आप स्वयं विष्णु भगवान कर सकती हैं, या फिर लड्डू गोपाल जी कर सकते हैं, या फिर युगल सगाई कर सकते हैं, या फिर भगवान श्री राम कर सकते हैं, या फिर शालिग्राम भगवान कर सकते हैं। विष्णु भगवान के किसी भी रूप की सेवा कर सकते हैं। बस इतना विशेष ध्यान रखना है कि विष्णु भगवान की सेवा होती है, आप उनके किसी भी रूप की सेवा कर सकते हैं। और विशेष बात यह है कि एकादशी के दिन आपको प्रभु के नाम का जाप जरूर करना है। दिन भर उनके नाम का जाप करिए, यानी कि पूरा दिन आप उनके लिए समर्पित कर दीजिए। आप कोई भी नाम जाप कर सकते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर सकते हैं, या फिर राम नाम का जाप कर सकते हैं, राधा नाम का जाप कर सकते हैं। जिस नाम पर आपकी निष्ठा हो उसी नाम का जाप आप कर सकते हैं, लेकिन पूर्णतः प्रभु को समर्पित होना है उस दिन। तो आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर कुछ प्रश्न रह गए हों जिनके आंसर मैं नहीं दे पाई हूँ तो आप मुझे बताइएगा, मैं वीडियो बना दूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा राधे राधे।